नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका हमारे YouTube चैनल ओला लर्नर्स में स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज हम डिस्कस करने जा रहे थे KVS PRT का सिलेबस और स्ट्रेटजी, कि किस टाइप की स्ट्रेटजी हमें रखना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, अभी तक तो सब कुछ चल रहा है ठीक, तो आप लोग जुड़ते जाइए और उसके बाद हमारा जो डिस्कशन था उसे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो यदि बात करें तो KVS PRT के सिलेबस के बारे में, किस तरह का सिलेबस लेना रहने वाला है, तो उससे पहले मैं बता दूं हमारा यूट्यूब चैनल है ओला लर्नर्स, जिससे आप जुड़ सकते हो, और साथ में ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। गुड आफ्टरनून खुशबू, और आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कमेंट का इशू थोड़ा ये होता है कि 30 सेकेंड या 20 या 30 सेकेंड्स के बाद आती है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो KVS PRT का आज हम सिलेबस देखने वाले थे कि किस टाइप से सिलेबस आता है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा यूट्यूब के लिए है वो है ओला लर्नर, आपको लिंक मिल जाएगा। यदि लिंक वर्क ना करें तो आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा ओला लर्नर्स, उससे आपको लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। यदि सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस कुछ इस टाइप से है KVS PRT का, जो आपका 2020 में आने वाला है उस तरह का। सोनू मीना, हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सोनी यूथ, हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यदि यहाँ पर बात करें सिलेबस के बारे में, तो कुछ इस टाइप से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और मैं किस किस चीज़ को आपकी कंप्लीट करा दूंगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मेरे चैनल के थ्रू कम्प्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पार्ट आए सबसे पहले आएगा आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश आती है 10 मार्क्स की और जनरल हिंदी आती है 10 मार्क्स की। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके जनरली रहेंगे। इसके बाद यदि आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, जिसमें करंट अफेयर्स के कोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके करंट अफेयर्स के ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बात करें रीजनिंग एबिलिटी, तो 10 मार्क्स की आएगी आपकी रीजनिंग, और कंप्यूटर आएगा आपका 10 मार्क्स का, और पेडागोजी आएगी 20 मार्क्स की। यहाँ तक आपका चलता है पार्ट वन में ओनली हिंदी और इंग्लिश होता है, और पार्ट सेकंड जो रहेगा सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी में से आना है, ठीक है ना। इसमें से आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोजी ये आएगी। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड, दिख रहा होगा ना आपको, सब्जेक्ट कंसर्न्ड में से आएगा आपका 80 मार्क्स, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट कंसर्न्ड की तरफ, ठीक है। कोई भी यदि डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछते जाइएगा, उसको क्लियर करते जाएंगे। यदि सब्जेक्ट कंसर्न्ड की बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न्ड में आपका हिंदी इंग्लिश जो आता है, हिंदी इंग्लिश तो सेम आएगा 10 मार्क्स का, पार्ट वन में भी आएगा और पार्ट टू में भी आएगा। इसका मतलब यदि आप हिंदी इंग्लिश को अच्छा करते हो तो आपके पार्ट वन में भी हेल्प करेगा और पार्ट टू में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि और क्या आएगा, और इसमें फिर आएगा आपका 20 मार्क्स का साइंस हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का, SST आएगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, SST 20 मार्क्स का आया, और SST 20 मार्क्स के साथ साथ फिर आपका 20 मार्क्स का इसमें आएगा मैथ, 20 मार्क्स का रहेगा मैथ। यहाँ तक तो बात आई होगी आपको समझ में कि किस टाइप से एग्ज़ाम्स आना है। अब यदि इसकी बात करें कि इस चैनल पर मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करा दूँगा, तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हो तो एक रीजनिंग की आप टेंशन मत लो, थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं आपको कि आपको किस किस सब्जेक्ट्स के बारे में हेडिंग नहीं लेना है, ठीक है। आपको रीजनिंग की बिल्कुल भी हेडिंग नहीं लेना, रीजनिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी। PRT मीन्स होता है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए होता है PRT, ठीक है ना खुशबू। रीजनिंग के लिए आप टेंशन मत लेना, रीजनिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट कंसर्न में साइंस के लिए टेंशन मत लेना, साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और एक मैथ्स की टेंशन मत लेना, मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो जितने भी मार्क्स का आएगा उसका जो 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स की अच्छे से प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा दूंगा, ठीक है। उसके बारे में आप टेंशन मत लेना, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए हैं, किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आना है, उनकी किस तरह से प्रिपरेशन करना है, वो हम सब देख लेंगे। तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हुई कि आपका साइंस क्लियर हो गया, मैथ्स हो गया, और करेंट अफेयर और रीजनिंग हो गया। अब बात करें यदि कंप्यूटर की, यहाँ पर नेक्स्ट यदि कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादा टफ उसमें पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। मेन 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, और 10 में से आई होप यदि मैं इसकी क्लास लेकर भी आऊँगा। राम मीना, गुड आफ्टरनून, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर लिटरेसी की, तो
तो कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का आएगा, और 10 में से आई होप यदि मैंने 7 या 8 वीडियो बना दी तो 7 या 8 वीडियो में ये समझ लीजिए आपके 10 में से 7 to 8 मार्क्स तो कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, 10 out of 10 काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर रखेगा कि जिससे बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं, यानी ज़्यादा लोग उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, यानी 95% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, वो ऐसा होता है 1-2 मार्क्स का। तो उसकी टेंशन आप मत लो, आप ध्यान रखो कि आप कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, उसके बाद टॉप कैसे करना उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी जाएगी। तो ये कंप्यूटर भी क्लियर हुआ। अब रह गया आपका पेडागोजी, पेडागोजी आएगा आप 20 मार्क्स का। अब पेडागोजी कैसा करें? ठीक है, अब पेडागोजी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा नहीं सर, SSTV, हाँ बिल्कुल KBS के लिए आपको SSTV पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका PRT रहेगा ना, PRT में आप सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होते, PRT में आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट ही अच्छे से आना चाहिए। तो 20 मार्क्स का आपका SSTV आएगा सब्जेक्ट कंसर्न में। ठीक है ना, तो ये बात हुई यहाँ तक। अब यदि हम बात करते हैं इसमें कि आपको पेडागोजी कैसे करना है, तो पेडागोजी के लिए जिस तरह से आप अभी कर रहे होंगे CTET के लिए, जो लोग को CTET देने जा रहे हैं या फिर जिनका क्लियर हो गया, तो उन्होंने उस टाइम पे पेडागोजी जो पढ़ा उससे थोड़ा सा टफ लेवल का आने वाला है आपका KBS में। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, KBS में थोड़ा सा टफ लेवल होगा उसका। और यदि करंट अफेयर की बात करें तो आप पिछले छः महीने का करंट अफेयर्स कर लोगे तो आपका करंट अफेयर्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई यहाँ तक बात। यदि हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश जनरल कोई भी एक बुक आप उठा सकते हो, जिसमें जनरल आपकी हिंदी जनरल इंग्लिश होती है, जो जनरल बातें आपको पता होना चाहिए वो यदि आपको पता होती है तो वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश कर लोगे। मेन फोकस रखो आप मैथ्स साइंस करंट अफेयर SST और पेडागोजी पर, क्योंकि ये सब आने वाले हैं 20-20 मार्क्स के। करंट अफेयर्स रहेगा आपका 10 मार्क्स का। यहाँ तक हुई इसकी बात एग्ज़ाम पैटर्न की। अब यदि सिलेबस की तरफ चलें तो पहले आगे आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश में क्या पूछेगा आपसे, वर्ब पूछ लेगा, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आप बात करो आगे आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एड वर्ब हो गया, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिर जो आपके आंसिन पेंसेज होते हैं वो हो गया, वोकैबुलरी हो गई, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेसेस। ये समझ लीजिए कि इंग्लिश का जितना भी होता है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा आपका। सेम हिंदी में होता है, यदि हिंदी की बात करें तो इसमें भी वो एंटोनियम्स, वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। तो इस टाइप से आपका जनरल हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। तो ये तो हुई यहाँ तक जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात। और यदि आप इसको अच्छा कर लेते हो तो ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, जो आपका सेकेंड पार्ट में 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स का हिंदी आ रहा है तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। क्लियर है ना यहाँ तक बात। अब यदि आगे देखें तो ये है पार्ट KVS पार्ट टू का सिलेबस किस तरह से रहेगा। इसमें यदि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहला तो आप इम्पोर्टेंट डे, KVS की वैकेंसी अभी आ जाती, शायद आपका जैसे सीटेट होता तब आ जाती, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारी वैकेंसी डिले हुई हैं, तो KVS भी आपका डिले हो गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आएगा, लेकिन KVS के एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम 4 to 6 मंथ देना पड़ेगा, तो इसकी प्रेपरेशन अभी से यदि स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कभी भी आ सकता है KVC, अभी कोई उसका कन्फर्म नहीं है। तो इम्पोर्टेंट डेज आपको याद रखना कि किस डेट को क्या मनाया जाता है, इंडियन हिस्ट्री, थोड़ा आपको आपकी कंट्री की हिस्ट्री भी पता हो, बुक्स एंड होतर से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको जनरल नॉलेज में पढ़ना क्या है। ठीक है, वैसे जनरल नॉलेज होता क्या, बहुत ही वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से आपको टॉपिक मिल जाएंगे कि हाँ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जैसे फर्स्ट आपको देखा इंपॉर्टेंस डे, तो आपने सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री देख लिया, बुक्स एंड ऑथर्स देख लिए, इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स देख लिए, कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स, कौन कौन से रिसेंटली अवार्ड मिले हुए हैं या फिर कौन कौन से अवार्ड किससे मिले हुए हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, KVS PRT के लिए एलिजिबिलिटी वही है कि आपका DLED होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं DED लिख के देता हूँ, आपका DED हो और DED के साथ में आपका ओनली जस्ट 12th हो, 12th एंड DLED ये हो आपका, तो आप KVS PRT का एग्ज़ाम देने के लिए ठीक हो, और साथ में आपका CTET क्लियर होना चाहिए। CTET पेपर 1 क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना CTET वाले तो KVS दे ही नहीं सकते। और आगे बात करें सिलेबस में तो बजट एंड 5 ईयर्स प्लान जो चल रहा था वो, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस किस टाइप से चल रहे हैं,
इंडियन इकोनॉमी क्या है आपकी, इंडियन के कैपिटल्स क्या है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो समिट्स वगैरह होते रहते हैं वो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और यदि बात करें तो कंट्रीज एंड कैपिटल्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। यदि रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो जो भी आपकी रीजनिंग होती है आप कोई सी भी बुक उठाकर देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, बीएड वाले सीटेट पेपर दे सकते हो, तो बीएड वाले भी क्वालिफाई रहेंगे ना। हाँ, डीएलएड वाले, बीएड वाले दोनों ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो रीजनिंग में आपकी जनरल कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग और एनालॉजी जितना भी होता है उस टाइप का आपका रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि यूजिंग पेंट ब्रश क्या हो गया, मोर इन पेंट, पेंट मोर क्या क्या होता है, डेस्कटॉप के बारे में तो जनरल पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें डीप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी को भी इन्होंने डिस्कस कर रखा है, फर्स्ट पार्ट में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड करिकुलम, थर्ड में बात करें तो मेथडोलॉजी, और फोर्थ में डाइवर्सिटी जेंडर्स वगैरह के बारे में। तो इस टाइप से कुछ आपके पेडागोजी के टॉपिक्स हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, रुपिंद्र कौर, वेरी वेलकम टू अवर चैनल। यदि कुल मिलाकर यदि बात करें तो जितना भी आपने सीटेट के लिए पढ़ा वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है रुपिंद्र, आप कैसे हैं, ठीक है। तो क्या आप ध्यान में रखो, आप ये ध्यान में रख के चलो कि यदि आप KVS देने जा रहे हो तो आपका मैथ्स अच्छा हो, साइंस भी अच्छा हो और साथ में SST भी अच्छा हो, तीनों सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, और साथ में पेडागोजी, क्योंकि ये चारों मिलकर आपका पेडागोजी, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग 80 मार्क्स बनाते हैं ये, और ये मिलकर बनाएंगे आपके 80 मार्क्स, और टोटल आपकी कट ऑफ जाएगी वो 100 के एबव जाएगी जनरल की, यदि हम बात करें 100 के आसपास जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी के लिए? यदि आपकी आपको क्वेरीज वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसकी जो क्लासेस की बात करूँ तो रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास और मैथ्स की क्लास, अभी ये एक साथ तो सारी नहीं आ पाएंगी, लेकिन आई होप जल्दी ही आपको ये क्लासेस देखने को मिल सकती हैं। यदि लाइव ना मिले तो रिकॉर्डेड आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है? बोलिए यदि आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो किसी टाइप की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई कर देंगे जो भी रहेगी आपकी क्वेरीज इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है ओला लर्नर, डायरेक्ट सर्च करो या फिर लिंक के थ्रू जाओ, दोनों ही तरह से आप पहुँच सकते हो, ठीक है ना बात। चलो तो फिर क्लियर है, तो फिर एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं फिर किसी क्लास में, कोई सी आपको आपके लिए आई होप जल्दी ही क्लास मिलेंगी जो भी क्लासेस रहेंगी। और आप वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ अच्छी क्लासेस लेकर आना है आप लोगों के लिए। और जो अनअकैडमी का इशू था वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, वहाँ पर भी आपको जल्दी ही क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है बात। और आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आपसे किसी और क्लास में, अपडेट आपको सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आने वाली अगली क्लासेस में, ठीक है।